हरियाणा नगर निकाय चुनावों के नतीजे घोषित हो गए हैं, जिसमें भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है। इस वक्त हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद हैं। सर, बेहतरीन नतीजे आए हैं भाजपा के पक्ष में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता ने आशीर्वाद दिया है, मैं हरियाणा की जनता का आभारी हूँ, उन सब मतदाताओं का आभारी हूँ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और बड़ी भारी सफलता भारतीय जनता पार्टी की। 10 नगर परिषद हम विजयी होकर आ गए हैं सिंबल पर, एक दो हम बिना सिंबल पर भी हम विजयी होकर आ गए हैं। 13 स्थानों पर हम नगर पालिका पर विजयी होकर आ गए हैं सिंबल पर, 3 पर बिना सिंबल के हम विजयी होकर आ गए हैं जहाँ हमने सिंबल नहीं दिए थे। और उसके साथ साथ JJP को भी एक नगर परिषद मिली है, 2 नगर पालिकाएँ मिली हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जन समर्थन हमको प्राप्त हुआ है और इसके लिए जनता का बहुत बहुत आभार। जिस सीट पर सर हार लगी है भाजपा को, उस पर क्या मंथन किया जाएगा और क्या वजह मानते हैं उसकी? ऐसा कि कुछ चीज़ें तो हम पहले भी मेरी जानकारी में है, जिसको कहते हैं कि नेचुरल च्वाइसिस को कई बार हवेलना राजनीतिक दलों में हो जाती है, होती है, तो उसका भी एक परिणाम होता है। और बेटर मैनेजमेंट, सबको साथ लेकर चलने की जो बात होती है, तो उसमें जो एकता का सूचक अंक है वो निर्णयों को तय करता है उस नाते से। तो जहां वो दिक्कतें रही हैं उनको बेहतर करेंगे, ठीक करेंगे, हमारे ध्यान में है। हरियाणा में सर लगातार आम आदमी पार्टी अपना ग्राउंड तलाश रही है और सिंबल पर चुनाव लड़ा है इस बार। कुछ सीटों पर हमने देखा है कि भाजपा के साथ कड़ा मुकाबला रहा आम आदमी पार्टी का, क्या मानते हैं कि एक दूसरे विकल्प के रूप में हरियाणा में उभर रही आम आदमी पार्टी? नहीं, कोई एकाध स्थान को छोड़कर कहीं बहुत ऐसे विजिबल थे ऐसा नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कोई उनको जन समर्थन मिला है, स्वीकार्यता जनता में हुई है, ऐसा नहीं है। अब जब डिटेल वोटों की गिनती की जब जानकारी आ जाएगी शाम तक, तो पता चल जाएगा, तो कहीं बहुत अच्छे जगह कोई वो बना पाए अभी ऐसा नहीं है। शुरुआत इस चुनाव में सर हमने देखा जाटलैंड में वोट प्राप्त हुए भाजपा को, मेवात की 3 सीट पर भाजपा ने विजय हासिल की, कैसे देख रहे हैं कि अब जो समीकरण है कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी रोहतक में, सोनीपत में, जींद में, इन सब जगह विजयी होकर आई है, कैथल में, मेवात में, और सब जगह जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। वो तो कांग्रेस का प्रभाव हो रहा है, कांग्रेस की अपनी लड़ाई खत्म नहीं हो रही, तो वो कैथल और जींद वाले जो कहें, अब उनको कौन सा वाला कहूँ, उनको तो जयपुर भेज दिया था, उस नाते से आके उन्होंने वोट तो मांगे, लेकिन मांगे भी कैसे कि आप ही बेगाने हो गए हो, तो लोग कहते भाई आप कैसे भरोसा करें जब आपको नहीं टिकने दिया जा रहा। और यहाँ पर भी जो पहले ही कांग्रेस रणछोड़ जी हो गई थी, सिंबल छोड़ गई थी, सिंबल छोड़ के फिर आके खड़ी हो गई, फिर घूमने लगे, समर्थन करने लगे, उनके अपने कुछ लोगों के पक्ष में कैंडिडेटों को बैठाने लगे, तो उसमें से लेकिन उनको वो सफलता मिली नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस का देश भर में ग्राफ घट रहा है और उसके बाद ये जो अग्निवीर जैसी योजनाओं के विरोध में आए हैं, उससे भी जनता में इनकी क्रेडिबिलिटी घटी है। आपने अग्निवीर का जिक्र किया, आखिरी सवाल यही है कि अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विरोध किया जा रहा था और उसके बाद मतदान हुआ, तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि भाजपा को इससे नुकसान हो सकता है, अब आप क्या कहना चाहेंगे अग्निपथ योजना को लेकर और अब आए नतीजों को लेकर? देखिए, जो भी फौजी होता है ना, उसका सबसे पहला प्यार देश होता है, सब चीज़ों से ऊपर। मुझे याद है राकेश सिंह थे हमारे सुभाना के, 92 में शहीद हुए थे, उनको अशोक चक्र मिला था, उनकी माँ उनको स्टेशन पर छोड़ने गई थी, तो माँ ने कहा कि बेटा अपना ख्याल रखना, तो उसने कहा था कि अगर माँ मैं अपना ही ख्याल रखता रहा तो देश और मेरे जवानों का ख्याल कौन रखेगा। फौजी का पहला प्यार जो है देश होता है, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता जैसे ये प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस ही थे सब, कांग्रेस सीधे इनको ऑन कर रही थी, राहुल जी कह रहे थे देश में आग लगेगी, प्रियंका कह रही है सरकार को हटा दो, ये सब कांग्रेसियों ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ओपी धनखड़ हमारे साथ थे, जिनका जाहिर तौर पर यह कहना है कि जिन सीटों पर भाजपा की हार हुई है उस पर मंथन किया जाएगा और विचार किया जाएगा आखिरकार वहां पर क्या कमियां रही हैं। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन जयदेव के साथ करण जयसिंह, टोटल न्यूज़।